गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग आए हैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने के लिए और थर्ड शिफ्ट में आए हम लोगों का, 1 बजे से एंट्री कराएगा और आज लास्ट डे है एग्ज़ाम का। ज़मीन पर ऐसे ही लेटे हैं, अब पीछे भी देखिए कितने कैंडिडेट सब बैठे हुए हैं, इधर भी हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सेंटर दिखाएंगे आप लोगों को। ट्रेन में जगह हुए थे, थोड़ा सा हरासमेंट टाइप का हो गया है। जाएंगे एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। और आज के एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा। अभी दोस्तों मैं एग्ज़ाम दे के आ चुका हूँ, सेकेंड शिफ्ट में था। क्वेश्चन का एनालिसिस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे। सबसे पहले तो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के 2 दे रहे हैं रीजनिंग में, और अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग 7 से 8 नंबर दे रहा है, और कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा घुमा के दे रहा है। आज के पेपर में थोड़ा घुमा के दे रहा था, बाकी पीछे का मुझे नहीं पता, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ये कोडिंग डिकोडिंग जो है वो ज़्यादा दे रहा है। और उसके बाद से मैथ में आज का जो पेपर था वो मैथ थोड़ा इजी था, थोड़ा क्या ज़्यादा ही इजी था। जो मैथ की अच्छे से तैयारी किया होगा वो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन इसमें कर सकता है आज के पेपर में। और मैथ में ज़्यादा घुमा नहीं रहा था, सिंपल से दे रहा था। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया था कि किसी संख्या का 10% 100 है तो वो संख्या कौन सी है, और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन दिए थे। हिंदी इजी आ रहा है, थोड़ा पैराग्राफ जो दे रहा है वो थोड़ा हार्ड नहीं कह सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग दे रहा है। जो पैराग्राफ दे रहा है वो थोड़ा टाइम टेकिंग दे रहा है, उसको पढ़ के समझ के और बनाने पर बन जा रहा है, और बाकी तो नॉर्मल ही दे रहा है। तो मुझे लगता है कि, और हाँ मेन बात यह है कि टाइम बहुत कम पड़ रहा है। 1 घंटा में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओवर ब्रिलियंट होंगे वो कहीं 70 करेंगे, और जो बोल रहे हैं कि 70 कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। बाकी तो अब कट ऑफ आएगा तो पता चल जाएगा। जय श्री राम, मिलेंगे अगले वीडियो में।